ये हैं कुछ पाकिस्तान इंडिया बेस्ड लोकल चैनल्स जिनमें आप व्यूज़ देख सकते हैं और इनकी इनकम देख सकते हैं। तकरीबन 10,000 व्यूज़ पे $1.97, तकरीबन 23.8K व्यूज़ पे तकरीबन $3.55। उसके बाद अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो तकरीबन 26.4K व्यूज़ पे आपके £7.93 बने हैं। इस चैनल की बात की जाए तो तकरीबन 5.3K व्यूज़ पे $1.06 बने हैं। और यह है कुछ फेसलेस चैनल्स के स्टैट्स जिसमें 102K व्यूज पे तकरीबन $196.67 जनरेट हुए हैं। उसके बाद तकरीबन 9.5K व्यूज पे $31 जनरेट हुए हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो तकरीबन 26.2K व्यूज पे तकरीबन $135.7 इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके बाद तकरीबन सिर्फ 35 व्यूज पे $0.26 जनरेट हुए हैं। ये सारा मामला क्या है और किस तरह से इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूं, उससे पहले एक सवाल आपके माइंड में आता होगा, क्या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये एक सस्टेनेबल इनकम है जो तकरीबन आपके बाद आपकी आने वाली नस्लें तक खाएंगी। उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप जब चाहें अपना काम करें, जब चाहें ना करें। उसके बाद आप अपने बॉस खुद हैं, आपने खुद को कमांड्स भी खुद देनी है, आपने अपने बिजनेस को खुद ही रन करना है, हर काम आपने खुद अपनी मर्जी से करना है। उसके बाद आप डिफरेंट वेज जैसा कि स्पॉन्सर्स और कोलैबोरेशन से भी अर्न कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट कौन सा करना चाहिए, फेस वाला या विदाउट फेस? आई रिकमेंड यू कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो आप एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करें। मैं आखिर फेसलेस चैनल ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? अगर आप विद फेस अपना चैनल बनाएंगे तो यकीनन आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ही इस चैनल को स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यूज भी आपके लोकल एरिया यानी कि पाकिस्तान या इंडिया से होंगे। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है, जिस पे व्यूज भी ज्यादा है और आरपीएम भी बहुत हाई है। अब अगर आरपीएम की बात की जाए कि आरपीएम क्या चीज है, बेसिकली दो वर्ड्स हैं, आरपीएम और सीपीएम। सीपीएम वो है कि जो एक एडवर्टाइजर टोटल अमाउंट पे करता है 1,000 व्यूज पे, लेकिन आरपीएम वो अमाउंट है जो यूट्यूब अपनी परसेंटेज निकालने के बाद आपको देता है 1,000 व्यूज पे। अब इंग्लिश वीडियोज का आरपीएम क्यों हाई है, इसकी रीजन ये है कि इंग्लिश वीडियोस किन कंट्रीज में देखी जाती हैं। अगर हाईएस्ट आरपीएम कंट्रीज की लिस्ट निकाली जाए तो ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन सबसे पहला नंबर है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको 1,000 व्यूज आते हैं तो नॉर्मली आपको $39.83 पे किए जाते हैं। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर, अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स से 1,000 व्यूज आते हैं तो आपको तकरीबन इतना पे किया जाता है। अब आरपीएम का आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि ये जितनी भी कंट्रीज इस लिस्ट में शो हो रही थी हाईएस्ट आरपीएम कंट्रीज, इन सब की लैंग्वेज तकरीबन इंग्लिश है। सपोज आप यूएसए की ऑडियंस को यानी यूनाइटेड स्टेट्स की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की ईमेल पे ही चैनल रजिस्टर कराना है, जिसका आंसर है नहीं, आप पाकिस्तान की लोकल ईमेल से भी अपना चैनल रजिस्टर करा सकते हैं। आपको सिर्फ यूएसए के लिहाज से वर्डिंग यूज करनी है और अपने चैनल की एसईओ यूएसए के लिहाज से करनी है। जैसा कि यूएसए में आप डॉलर्स में बात करेंगे और पाकिस्तान या इंडिया में आप रुपीस में बात करेंगे। बेसिकली ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है YouTube TikTok ऑटोमेशन एसेंशियल के नाम से, जिसमें मैं आपको तकरीबन तमाम वो चीजें सिखाऊंगा, तमाम उन टॉपिक्स पे वीडियोस को कवर करूंगा जो आपके लिए जरूरी है ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आपने इस प्लेलिस्ट को लाजमन फॉलो कर लेना है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब आपके माइंड में ये चीज जरूर चल रही होगी कि मेरा तो एसेंट यूएसए वाली इंग्लिश वाला नहीं है, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? बेसिकली आपको एसेंट इंप्रूव करने की इतनी जरूरत नहीं है, आपकी बेसिक इंग्लिश भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि आप बोल भी नहीं सकते, बेसिक इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो हम AI वॉइसेस की तरफ भी जा सकते हैं। उस पर भी मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं बनाना चाहता हूं नेक्स्ट इसी प्लेलिस्ट में। बाकी आपने स्क्रिप्ट कहां से लेनी है, उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से उसको इंप्रूव करके बेहतर बनाना है, इससे भी आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब पे किसी को भी आइडिया नहीं होता कि कौन सा चैनल एक्चुअल में वर्क करेगा या कौन सा चैनल वर्क नहीं करेगा। ये एक लिस्ट है हाईएस्ट आरपीएम निशेस की, इनमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट उनके आरपीएम्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं।
हैं, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैं अपने ही एक स्टूडेंट के चैनल का RPM दिखाने जा रहा हूँ। उस पर तकरीबन 1.8 मिलियन उसकी सिर्फ एक वीडियो पे व्यूज है और उसका RPM है $20.76 और टोटल जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है वो है $36,427.66। तो आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करके इसकी इनकम का आइडिया खुद ब खुद लगा सकते हैं कि फेसलेस ऑटोमेशन में कितना पोटेंशियल है। एक चीज आपने अपने माइंड में लाजमन बैठा लेनी है कि नीश रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। आपकी सिलेक्ट की हुई नीश आपको हजारों डॉलर भी दे सकती है और आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत भी जाया कर सकती है। उसके अलावा बहुत जल्द आपको मेरे ही चैनल पे कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि आपने नीश रिसर्च कैसे करनी है, किन कंट्रीज की करनी है, किन टॉपिक्स पे करनी है, ये तमाम चीजें उसमें मैं डिटेल से गाइड करूंगा। अगर नेक्स्ट आपको किसी भी टॉपिक में इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट एक गाइडेड वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो की जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने फेसलेस चैनल क्यों स्टार्ट करना है, आपने फेस वाला चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करना है और इंग्लिश में काम क्यों करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा वाला पार्ट ज्यादा पसंद आया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप किस तरह से डिटेक्टिव वीडियोस बना के उनसे अर्न कर सकते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है इस पे क्लिक करके एक दफा जरूर विजिट करें। इसमें मैंने बताया है कि आप डिटेक्टिव मिस्ट्री रिडल वीडियोस किस तरह से बना सकते हैं। बहुत कमाल का टॉपिक है, आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीट गाइडेड वीडियो है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें।